नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया। मैं निर्दोष हूँ, मुझे फंसाया गया। प्रधानपति उत्तर प्रदेश बलिया जिले में द्वारा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम सभा सुरपुर दियर सोमाली के प्रधानपति ने बताया कि राजनीति के कारण हमें अपहरण केस में फंसा दिया गया है। जिस लड़के के अपहरण केस में फंसाया गया है, वह लड़का नाम बदलकर रह रहा है। मैं उसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक से की है, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। हमें न्याय चाहिए। सुरपुर दियर सोमाली के ग्राम प्रधान के पति हूँ आज वर्तमान में। जी, क्या समस्या है, क्या मामला है? जेल भी गए थे पूर्व में। मेरे गांव में एक मामला है, दो हज़ार बारह को जग हो रहा था। उस जग में से लड़का, एक ब्रिजराज नाम का लड़का गुम हो गया है, जिसका पिता का नाम है रामाशंकर यादव, माता का नाम है देवांती देवी। जी, वो 24/1 को दरखास्त दी है FIR करने के लिए बैनाथ यादव नंजी वर्तमान प्रधान के ऊपर। जी, ये लड़का हटाया गया है। इन लोगों द्वारा लड़के को मां के अपने पक्ष में लेकर 6 महीना बाद हम पर FIR कराया गया, जिसे मैं माननीय न्यायालय इलाहाबाद उच्च न्यायालय से 10 महीने जेल में रहकर जमानत पर हूँ। सारी गवाही गुजर चुकी है पब्लिकों का। अभी स्पष्ट हुआ है 23/2 को बैनाथ यादव पर के मोबाइल नंबर पर देवांती देवी लड़के की मां ने फोन किया है कि लड़के फलाना जगह है, जिसको मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग बनाया हूं कि लड़की इस जगह है, लड़के को छिपाया जाए, दूसरे स्थान पर हटाया जाए, न तो ये लोग बरी हो जाएंगे। जिसके खिलाफ पर वीडियो रिकॉर्डिंग लगाकर कप्तान साहब को मैंने दिया है एप्लीकेशन के द्वारा। फिर उच्च अधिकारियों को डाक रजिस्ट्री द्वारा भेजा गया है प्रार्थना पत्र, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर जाकर मैंने पुलिस चौकी सुरपुर दियर के दुर्गा जी से निवेदन किया है कि लड़के बरामद किया जाए, फलाने जगह पर है, जीरा बस्ती में है लड़के, राजमंगल के यहाँ वो लड़का रखा गया है बलिया के बगल में, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं। जी, अभी वर्तमान में जहाँ लड़के को रखा गया, क्या वो उसी नाम से उसको पूरे पुकारा जा रहा है, उसका नाम भी बदल दिया गया है? क्या मतलब? अभी जहाँ लड़का है जी, तो उसका नाम वही पुराने वाला नाम से उसे लोग पुकार रहे हैं? नहीं, या नाम बदल गया? आज पुराने वाला नाम तो विराज यादव है, बाप के नाम रामाशंकर, आज के नाम उनके शिवम राजभर रखा गया। जी, यादव से उनको राजभर, यादव से राजभर। ये भी कहा गया है कि कोई भी आएगा तो बताइएगा कि हम किसी को पहचानते नहीं। क्या उनके अपने माता पिता से बात होती है? हाँ, बिल्कुल होती है। जी, जाती आती तो है। क्या इसके लिए आपने HP साहब, कप्तान साहब को अपने जानकारी दी? कप्तान साहब को सबको दे दिए हैं। तो बरामद नहीं किया गया? हाँ, कोई सुनवाई नहीं हो रही। दोबारा SP साहब से मुलाकात किए तो बोल रहे हैं कि अभी लॉकडाउन है, हम अब कार्रवाई करेंगे। हंस रहे थे, हम क्या करें, हम तो निवेदन नहीं कर सकते हैं। अब पूरा परिवार को हम फंसाया गया है उसमें। कितने लोगों पर मुकदमा किया गया आपके ऊपर? 5 लोगों के ऊपर मुकदमा किया गया है, जो 2 लड़के हमारे, एक मास्टर हैं, हाँ, एक BEd किए हैं हमारे ऊपर है, हमारे पटीदार के ऊपर हरदेव यादव स्वामीनाथ के ऊपर किए गए हैं, और एक लड़के की नाबालिग में चल रही है, जबकि ये सारा गवाही लोग कर चुके हैं। 2016 में बाढ़ आई थी, उसमें भी राशन प्रधान द्वारा प्रमाणित करके उस लड़के को दिया गया। 2017 में लड़के के बहन की गावना थी, उसमें निमंत्रण कार्ड छपाया गया लड़के के नाम से, दर्शन अभिलाषी ब्रिजराज यादव 4th स्थान पर उनका नाम है। 2012 की घटना है। जी, इसका तात्पर्य है तो आपको साजिश के तहत आप लोग फंसाया गया? साजिश के तहत प्रधानी ग्राम सभा की प्रधानी चुनाव के तहत फंसाया गया है। एक और मैटर है, ग्राम सभा की जमीन है। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।